नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के बारे में। भारत समेत पूरे विश्व में कोरोना वायरस से लोगों को संक्रमित हुए और लोगों की मौत भी हुई। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें हुई जो ठेले और रेहड़ी पर सड़कों पर घूम घूम कर सामान को बेचते थे। इसके साथ ही साथ कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके लॉकडाउन के दौरान लोगों को उनकी नौकरी से बाहर कर दिया गया। ऐसे में लोगों के सामने फिर से नौकरी खोजना एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। इस कोरोना काल में बिहार में तो कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें यह बताया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं। ऐसे में अब बिहार सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए बाल सहायता योजना की शुरुआत करने की बात कही है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर कोरोना महामारी में अनाथ हुए 0 साल से 18 साल के बच्चों को बाल सहायता योजना से जोड़ा जा रहा है। योजना के तहत सभी अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 1500 रुपये दिया जाएगा और अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर समाज कल्याण विभाग ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके मुताबिक अब आंगनबाड़ी सेविका भी इस योजना को जोड़ा गया है और सेविका ऐसे अनाथ बच्चों को खोज करेगी। उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति बच्चा 50 रुपया देने का प्रावधान भी किया गया है ताकि कोई भी अनाथ बच्चा छूट न सके। बिहार में कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों की संख्या अभी तक विभाग के पास 30 पहुंची है। वहीं कई आवेदकों को रद्द भी किया गया है। आपको बता दें कि योजना लागू होने के बाद से उसमें गलत ढंग से आवेदन करने वालों की जांच के बाद हटाया जा रहा है। इन सभी अनाथ बच्चों को अगले माह से योजना का लाभ मिलने लगेगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में अनाथ हुए बेसहारा हुए 0 से 18 साल के बच्चे जिनके माता पिता दोनों कोरोना काल के दौरान उनकी मौत हो गई, इनमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना काल से हुई हो, वैसे बच्चों को योजना से जोड़ा जाएगा। योजना के तहत 18 साल की आयु तक प्रतिमाह 1500 रुपये दिया जाएगा। योजना का लाभ प्रतिमाह लाभुकों एवं पालन करने वालों के परिवार के नाम से संयुक्त रूप से खोले गए बचत खाते में भेजा जाएगा। अगर किसी बच्चों को कोई पालने या फिर रखने वाला नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में अनाथ बच्चों की देखरेख एवं उनका संरक्षण राज्य सरकार करेगी। योजना के तहत योग्य बच्चियों का नामांकन कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय विद्यालय में किया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए कैसे करें आवेदन? इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा और इसका फॉर्म सहायक निदेशक के पास होगा। इसके साथ ही साथ जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में भी मिलेगा, समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यालय में मिलेगा। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। इस आवेदन को भरकर आंगनबाड़ी सेविका को देना होगा। इधर इस पूरे मामले को लेकर समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार ने कहा कि योजना का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चयनित अनाथ बच्चों की राशि देना भी शुरू कर दिया गया है। विभाग की ओर से इसके लिए एक गाइडलाइन जारी किया गया है और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी फॉर्म मौजूद है। तो ये थी जानकारी कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को लेकर। उसको लेकर बिहार सरकार ने कोरोना काल के दौरान ही कहा था कि हम वैसे बच्चों के लिए जिम्मेवार होंगे जिनके माता पिता दोनों गुजर गए हैं इस कोरोना काल के दौरान। ऐसे में अब बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और उन बच्चों को 1500 रुपये महीने देने की बात कही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।